एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का विरोध लगातार जारी है और दलित संगठनों ने भारत बंद का आज ऐलान किया हुआ है। बीएसपी ने बंद को समर्थन देने का ऐलान किया है। मायावती ने सोशल मीडिया पर समर्थन दिया है, तो मायावती ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि बीएसपी का भारत बंद को पूरा समर्थन है। तो एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का विरोध लगातार चल रहा है। दलित संगठनों ने भारत बंद का आज ऐलान किया है। बसपा ने भी बंद को समर्थन देने का ऐलान किया है। मायावती ने सोशल मीडिया पर अपना समर्थन दिया। तो एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का विरोध लगातार चल रहा है और दलित संगठनों ने भारत बंद का इस दौरान ऐलान किया है। जगह जगह दुकानों को बंद करके और भारत बंद का ऐलान करते हुए तमाम दलित समुदाय जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनका समर्थन बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी किया है और दलित संगठनों ने भारत बंद का आज ऐलान किया है। तो बसपा ने बंद को समर्थन देने का ऐलान किया, मायावती ने सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट करते हुए समर्थन दिया है इस भारत बंद के ऐलान को। एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का विरोध लगातार चल रहा है। दलित संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है, बसपा ने बंद को समर्थन देने का किया ऐलान। मायावती ने सोशल मीडिया पर भारत बंद के ऐलान को समर्थन देने की बात कही है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट लिखते हुए कहा है कि उनका समर्थन भारत बंद को है। बसपा ने बंद के ऐलान को समर्थन दिया है। बीएसपी का भारत बंद को पूरा समर्थन है। उन्होंने कहा है कि क्योंकि भाजपा और कांग्रेस आदि पार्टियों के आरक्षण विरोधी षड्यंत्र और इसे निष्प्रभावी बनाकर खत्म करने के मिलीभगत के कारण 1 अगस्त 2024 को एससी एसटी के उपवर्गीकरण और इनमें क्रीमी लेयर संबंधी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध रोष और आक्रोश व्याप्त है, इसलिए मायावती भारत बंद के ऐलान का समर्थन करती है। तो उन्होंने ये पोस्ट लिखा, बसपा ने भारत बंद के ऐलान का समर्थन किया है और सोशल मीडिया पर उन्होंने जानकारी दी। एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का विरोध प्रदर्शन हो रहा है और ऐसे में पुलिस प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर आज नजर बना के रखी हुई है। पूरे देश भर में भारत बंद का ऐलान होता हुआ और जो दुकानें खुली हुई हैं उन तमाम व्यापारियों को भी दुकानें बंद करने के निर्देश देते हुए ये तमाम दलित संगठन, और वहीं इन तमाम दलित समुदायों को पुलिस प्रशासन समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है कि किसी भी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए सड़कों पर। तो मायावती ने सोशल मीडिया पर भारत बंद के ऐलान को समर्थन देने की बात कही है। पुलिस प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्थाएं करता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग जगह पर चेकिंग की जा रही है और पुलिस प्रशासन ने नजर बना के रखी हुई है कि कहीं से भी कोई हिंसा की खबर सामने ना आए। तो भारत बंद के ऐलान का समर्थन करती हुई बसपा सुप्रीमो मायावती, दलित संगठनों ने भारत बंद का आज ऐलान किया है और इसी ऐलान को समर्थन दे रही है बसपा प्रमुख मायावती। मायावती ने सोशल मीडिया पर अपना समर्थन पोस्ट लिखते हुए दिया है। एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का विरोध जिस तरह से लगातार दलित समुदाय द्वारा किया जा रहा है, जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं तमाम दलित संगठन और उनके भारत बंद के ऐलान को समर्थन देने के लिए अब बसपा सुप्रीमो मायावती भी आगे आई हैं और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपना समर्थन भारत बंद के ऐलान को दिया है। तो पुलिस प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बना के रखी हुई है ताकि आम जनमानस को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, आवागमन करने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो बसपा ने भारत बंद को समर्थन देने का ऐलान किया है। मायावती ने सोशल मीडिया पर अपना समर्थन जारी किया है। तो एससी एसटी आरक्षण में लगातार जो दलित समुदाय हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं ये प्रदर्शन हिंसा में तब्दील ना हो इसके लिए पुलिस प्रशासन भी लगा हुआ है और पुलिस प्रशासन की प्रदर्शनकारियों से तीखी नोकझोंक होती हुई भी देखी तस्वीरों में नजर आ रही है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें और अन्य क्षेत्रों में भी ना मिले इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाएं करता हुआ नजर आ रहा है। ये जो प्रदर्शन है वो हिंसा में तब्दील ना हो इसके लिए तमाम सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आज पूरे देश में भारत बंद का ऐलान किया है और मायावती ने क्या कुछ पोस्ट लिखा वो भी आपको दिखा रहे हैं। बीएसपी का भारत बंद को समर्थन है क्योंकि भाजपा और कांग्रेस पार्टियों ने इसका विरोध नहीं किया है। बीएसपी का भारत बंद को पूरी तरह से समर्थन देने की उन्होंने बात कही है। तो मायावती का पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं जो उन्होंने लिखा है। तो बीएसपी ने भारत बंद के ऐलान को समर्थन देने की बात कही है और उन्होंने
ट्वीट करते हुए लिखा है कि बीएसपी का भारत बंद को पूरा समर्थन है क्योंकि भाजपा और कांग्रेस आदि पार्टियों के आरक्षण विरोधी षड्यंत्र और इसे निष्प्रभावी बनाकर खत्म करने की मिलीभगत के कारण 1 अगस्त 2024 को SC ST के उपवर्गीकरण और इनमें क्रीमी लेयर संबंधित माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध इनमें रोष और आक्रोश व्याप्त है और फिलहाल भारत बंद के ऐलान को समर्थन देती हुई मायावती जिन्होंने ये पोस्ट लिखा है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद जुड़ चुके हैं। लालचंद, देखिए भारत बंद का ऐलान हो चुका है आज, तमाम दलित संगठन जो हैं वो अलग अलग जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्रीमी लेयर का विरोध कर रहे हैं और ऐसे में मायावती ने भी उनके ऐलान का समर्थन देने की बात कही है। किस तरह की स्थिति फिलहाल राजधानी लखनऊ में अभी दिखती हुई? देखिए मनीषा, आपको बता दूं कि आज SC ST आरक्षण को लेकर जिस तरीके से उसमें कोटे में कोटा देने को लेकर कहीं ना कहीं विरोध जताया है, विषय में दलित कई संगठन है जो इसे समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से बात करें, बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट करके इसका समर्थन किया है और इसका साथ कहना है कि कहीं ना कहीं जो वर्गीकरण है, जो उपवर्गीकरण है, उसको लेकर इसका विरोध है। फिलहाल मनीषा आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फैसला सुनाया था उसके बाद केंद्र सरकार को इसका फैसला लेना था, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पूरे फैसले को कहीं ना कहीं जो है नकार दिया है। पूरी तरीके से ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं के फैसले के केंद्र सरकार जो है खिलाफ दिखाई दी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ऐलान किया गया था दलितों के द्वारा, दलित संगठनों के द्वारा, तमाम जो पार्टियां उनके द्वारा कि जो है भारत बंद रहेगा, उसको लेकर कहीं ना कहीं आज असर देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से चाहे बहुजन समाज पार्टी की बात करें, उनकी तरफ से भी जो है भारत बंद का समर्थन किया गया। आज जगह जगह पर जो बहुजन समाज पार्टी का झंडा है उसको लेकर यहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन होता हुआ दिखाई देगा और इसके साथ ही खुद मायावती जो है अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर वहां पर माल्यार्पण करते हुए दिखाई देंगे। तमाम जो वहां पर उनके जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो भी जो है वहां पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो भीम आर्मी चीफ है उन्होंने भी बंदी में जो है समर्थन दिया है, क्योंकि जो भी SC ST समाज से आते हैं या दलितों के मसीहा है वो लगातार इसका कहीं ना कहीं विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आज भारत बंद का ऐलान किया है और इसी को लेकर आज चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें जो उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है, उन्होंने भी इस भारत बंद का समर्थन किया है। यानी कि यह माना जाए कि एक तरफ जहां SC ST में जो है उपवर्गीकरण को लेकर कहीं ना कहीं जो विरोध आक्रोश दिखाई दे रहा है उसको लेकर लगभग सभी पार्टियां जो है इसका समर्थन करती हुई दिखाई दे रही है। RPI जो NDA में शामिल है वो भी इसका जो है समर्थन किया है, भीम आर्मी चीफ जो है वो भी इसका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी इसका समर्थन करती हुई दिखाई दे रहे, बहुजन समाज पार्टी समर्थन करती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही जितने दलित संगठन है वो भी इस भारत बंद के ऐलान में शामिल है। यानी कि ये माना जाए कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसको लेकर कहीं ना कहीं आज भारत बंद के ऐलान में तमाम दलित संगठन है वो यहाँ पर जो है एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल लालचंद, लेकिन देखिए भारत बंद के ऐलान का समर्थन करना कहीं ना कहीं सही है, लेकिन मायावती और सपा को ये जरूर क्लियर कर देना था कि जो भी प्रदर्शन है वो पूरी तरह से साइलेंट प्रोटेस्ट होना चाहिए, हिंसा बिल्कुल भी तब्दील नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं अलग अलग जगह पर पुलिस प्रशासन से तीखी नोकझोंक होती हुई नजर आ रही है प्रदर्शनकारियों को और इस तरह की हिंसा को समर्थन देना कहां तक सही? देखिए कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से ही अपनी बातों को रखना चाहिए और शायद यही पार्टियों को भी अपील करनी चाहिए अपने नेताओं से, अपने कार्यकर्ताओं से, लेकिन इस तरीके से सड़कों पर उतर कर धरना प्रदर्शन करना, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेना कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। और शायद यही वजह है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो और चाहे RPI हो और चाहे भीम आर्मी चीफ की पार्टी हो, कहीं ना कहीं इन लोगों को जिस तरीके से प्रदर्शन करने की अपनी बात रखने का मौका है, लेकिन सड़कों पर उतरकर इस तरीके से विरोध प्रदर्शन करना, पुलिस से भिड़ना कहीं ना कहीं ये जो है कानून के खिलाफ है। और इसकी अपील भी इन बड़े नेताओं को करनी चाहिए कि चाहे दलित संगठन के नेता हो, चाहे
पार्टियों के नेता, उनको कहना चाहिए इस तरीके से विरोध प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, अपनी बातों को रखने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से वो इसको रख सकते हैं। फिलहाल केंद्र सरकार ने भी मान लिया है, कहीं ना कहीं ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का उसके खिलाफ भी केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, मोदी जी ने खुद अपने सांसदों जो दलित सांसद है उनके साथ बैठक की थी और इसके बाद ही एक बड़ा फैसला लिया गया कि जो उपवर्गीयकरण है, जो क्रिमिनियर है, उसे हम लागू नहीं करेंगे। और शायद यही वजह है कि जो दलित संगठन है, जो दलित पार्टियां, वो उन्होंने जो ऐलान किया था भारत बंद का, उसको लेकर आज सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजधानी लखनऊ में परिवर्तन चौक की बात करें तो यहाँ पर भीम आर्मी चीफ के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मायावती खुद जो है अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए कार्यकर्ताओं से उन्होंने अपील की है कि वो हाथों में जो है हाथी और नीला झंडा लेकर जो है वो यहाँ पर पहुंचे। कहीं ना कहीं जो एससी एसटी में कोटे का मामला था वो कहीं ना कहीं तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल ये माना जा रहा है कि सुरक्षा के तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस भी पूरी तरीके से अलर्ट है। जगह जगह पर जहाँ पर संवेदनशील इलाके वहां पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। लेकिन आज जो भारत बंद का ऐलान किया गया है उसको लेकर एक तरफ जहाँ पुलिस सतर्क दिखाई दे रही है तो वहीं ये भी माना जा रहा है इस भारत बंद के ऐलान को लेकर जब केंद्र सरकार ने ही नकार दिया तो कोई जरूरत शायद नहीं समझी जा सकती थी कि इस तरीके के प्रदर्शन को, क्योंकि लेकिन लालचंद अगर देखिए गोमती नगर इलाके की बात की जाए, बिल्कुल गोमती नगर इलाके की बात की जाए और खासकर अगर 1090 जैसे इलाके की बात की जाए तो यहाँ पर हमेशा से ही वीआईपी मोमेंट्स देखने को मिलते हैं और अगर इस जगह पर किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन होता है तो उसे रोकने के लिए कानून व्यवस्था कितनी ज्यादा चाक चौबंद नजर आ रही है वहां पर। बिल्कुल मनीषा, जिस तरीके से भारत बंद का ऐलान पहले से ही जो है किया गया था उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से यहाँ पर सतर्क है और सुबह से ही देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात है। अगर हम बात करें चाहे परिवर्तन चौक पर प्रदर्शन होना है वहाँ पर भी पुलिस सुबह से ही तैनात है। 1090 की पर भी जो है बड़ी संख्या में लोग पहुंच जाते हैं, प्रदर्शन करने लगते हैं, वहाँ पर भी सुरक्षा के तौर पर पुलिस तैनात की गई है। अम्बेडकर पार्क पर भी जो है पूरी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही लखनऊ में जहाँ जहाँ पर भी इस तरीके की स्थितियां देखी गई है रिपोर्ट के द्वारा या पुलिस के द्वारा वहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात की गई। लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि आज जो दलित संगठन है, जो कहा समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरपीआई और भीम आर्मी, इन्होंने ठीक लालचंद, तो सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रहनी चाहिए और कोई भी जो प्रदर्शन है वो एक तरीके से साइलेंट प्रोटेस्ट ही होना चाहिए और ये हिंसा में तब्दील नहीं होना चाहिए। फिलहाल इस तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।